नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। जी हां दोस्तों, मेरे द्वारा जो एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं शेयर मार्केट के, आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को लाभ भी मिलता है। इसलिए मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि वे हमारी सद्बुद्धि इसी प्रकार से बनाए रखें जिससे भला हो सके। और बहुत से लोगों के फ़ोन हैं कि आप एक ही प्रकार का जो है, मतलब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देती हैं, तो जी नहीं, इस हफ्ते से मैंने जो है आप सभी को एक एक दिन का लाभ मिल सके, इसीलिए जो है सप्ताह में पांचों दिन पांच प्रकार का प्रिडिक्शन आपको दूंगी, गोल्ड सिल्वर निफ्टी बैंक और इसके साथ क्रूड ऑयल का। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसा कि मैंने कल आपको बतलाया था गोल्ड के लिए, तो गोल्ड में हमें बराबर मंदी देखने को मिल रही है। और इसके बाद जो है, मैंने कहा था कि शाम को 7 बजे के बाद से कुछ स्थिति में सुधार होगा, साधारण तेज़ी रह सकती है, तो थोड़ा बहुत साधारण सुधार की स्थिति भी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की गणनाएँ वीकली मंथली भी चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारी गणनाएँ जो हैं यहाँ पर हम नहीं बता सकते क्योंकि इनका प्रोसीजर बड़ा रहता है, तो आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये सारे चार्जेबल रहते हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी जो है शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन की जो है रिपोर्टें लेते हैं। यदि आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब आज मैं आपको बतलाऊँगी गुरुवार के लिए कि गुरुवार का मार्केट कैसा रहेगा, और इसमें बताऊंगी आपको क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो कल हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल का क्या प्रिडिक्शन रह सकता है, क्या होगा क्रूड ऑयल में, ग्रह नक्षत्र क्रूड ऑयल के लिए क्या कह रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और जैसा कि जो है, जो बहुत से लोगों का कहना है कि आप जो कंपनी कुंडली बनाती, मैंने 2-4 वीडियो दिए हैं कंपनी कुंडली के, तो उसके लिए भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो आप जिस भी कंपनी का कुंडली एनालिसिस चाहते हैं उस कंपनी को आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें उसके बारे में शोध करके फिर उस पर वीडियो बनाए जा सकते हैं कि क्या है कैसा है। जानकारी लेनी पड़ती है, तभी किसी बात की सत्यता तक हम पहुँच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष से जुड़े समस्त कार्य आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं कार्यों के लिए। और गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल की दैनिक और रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, कॉल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपका कल का राशिफल क्या कहता है इसके लिए। तो सबसे पहले जो है पंचांग देखेंगे। गुरुवार का कल दिन रहेगा, 16 तारीख रहेगी, और इसके साथ कृति का नक्षत्र रहेगा और पूरे दिन में इस राशि का प्रभाव रहेगा। तो इनके प्रभाव से क्या स्थिति बनेगी, आपका राशिफल क्या कहता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आती है आपकी मेष राशि। तो कल मेष राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का योग है। यदि आप काम कर रहे हैं तो लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी सामान्य लाभ का योग है, लाभ मिलते ही बाहर हो जाएं, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए जो कल है लाभ का योग है, काम करके लाभ मिलेगा आपको। कर्क राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है, आप भी काम करके लाभ प्राप्त करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए भी लाभ का योग है, आप भी काम करके लाभ लेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का योग है, तो बेनिफिट होते ही मार्केट से आप बाहर हो सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी लाभ का योग है, आप भी काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए हानि का योग है, आप काम ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद आएगी आपकी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जो है कल लाभ का योग है, काम करके लाभ प्राप्त करेंगे आप। मकर राशि वालों के लिए मिश्रित योग है, कुछ लाभ कुछ हानि का, लाभ मिलते ही बाहर हो सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए भी लाभ का योग है, काम करके लाभ मिलेगा आपको। मीन राशि वालों के लिए भी कुछ लाभ कुछ हानि का योग है, तो लाभ मिलते ही बाहर हो सकते हैं मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, यह था आपका कल का राशिफल। आप राशिफल बहुत से लोग देखते हैं, इसे आप अपनी जन्म नाम की राशि से, चंद्र राशि से, और अधिक सूक्ष्म गणना के लिए हमें अपनी जन्म पत्रिका से इसका जो है विश्लेषण करवाना चाहिए।
अब हम देखेंगे कि कल क्रूड ऑयल में क्या स्थिति बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह तो आपका मार्केट लगभग 3 बजे तक जो है अप डाउन की स्थिति बराबर चलते रहेगी, और इसके बाद कुछ मंदी हो सकती है। 3 से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधार की स्थिति बनेगी, और 10 बजे के बाद थोड़ा बहुत मार्केट जो है पुनः डाउन में जा सकता है। तो इस प्रकार जो है कल आपका क्रूड ऑयल जा सकता है, यह स्थिति बन सकती है। और जो हमारी गणनाएं रहती हैं ये सारी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे रहती हैं, और सारी जब भी आप मार्केट में काम करें अपना स्वाभाविक का उपयोग करें, मार्केट का रुख जरूर देखें। इसके बाद ज्योतिष के जो टिप्स रहते हैं आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सभी जो चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्योतिष जैसी सही और सत्य विद्या का प्रचार